हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? वैसे उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बाकी हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आज भी। तो आज मैं सुबह सोच रहा था कि आप लोगों को एक कुछ नई लोकेशन दिखाऊं अपने घर के पास की भी और समुद्र के पास की भी, समुद्री साइड एरिया। ठीक है, बट सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, घर से निकल नहीं पाया, तो मैं सीधा वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मौसम खुल चुका है, धूप निकल चुकी है। बाकी कुछ नहीं पता अभी मौसम का, क्योंकि सुबह से ऐसे ही हो रहा है, धूप निकल जाती है फिर बारिश हो जाती है। चलो फिलहाल अब मैंने सोच लिया कि चलो जो होगा देखी जाएगी, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने। आज मैं दिखाऊंगा आपको अपने घर के पास जो है, थोड़ा समुद्र के पास का एरिया, जो मतलब कि मोस्टली वॉकिंग के लिए है। ठीक है, वहाँ बहुत से लोग मतलब आसपास के लोग वहीं वॉकिंग के लिए शाम को आते हैं, बाकी इस टाइम तो देखते हैं दिखाई देंगे या नहीं। बाकी मैं आपको अभी, क्योंकि फिर रात को इतना क्लियर नहीं दिखता ना व्यू, ठीक है, आसपास का, तो मैं आपको फिर वहीं लेके जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आप। तो भाई जी, ये है रोड जिसमें मैं चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से घर से सिर्फ और सिर्फ वो है ओनली हद मार के, हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी मैंने ज़्यादा कह दिए, 2 से 3 मिनट का रास्ता है सिर्फ पैदल पैदल। मतलब ये दूसरी गली है, मैं टर्न हुआ हूँ इस गली में जिसमें मैं चल रहा हूँ, पिछली गली पीछे थी। ठीक है, चलो मैं आपको आते हुए दिखाई दूंगा। अब हमने मुड़ना है यहाँ से, और बिल्कुल जो सामने आप देख रहे हो रोड क्रॉस करते ही मतलब वो एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो बने रहना वीडियो में, मैं आपको दिखाई दूंगा। सामने जाके सीधा लेफ्ट में जाके है थोड़ा सा, और तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा उसी एरिया में मुझे जाना है, इस साइड में मैं वहां से आया हूँ। अभी बने रहना वीडियो में, दिखाता हूँ आपको। वो सामने उधर है अपना ये पार्को स्टेशन, शिप स्टेशन उधर दूर, और यहाँ पे अपना ये वॉकिंग का एरिया उस साइड में, तो वहीं लेके चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। मतलब कि बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल किनारे, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, ठीक है, अपना वॉकिंग एरिया पे। ठीक है, यहाँ पे ये साथ में समुद्र है। बाकी आज मौसम आप लोग देख ही रहे हो, व्यू कितना मौसम आ रहा है, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। बाकी ये किश्तियाँ खड़ी हैं, नाव छोटी छोटी, ये ज़्यादातर मछुआरों की हैं। यहाँ मतलब मच्छी पालते हैं जड़े, जो लोग बेचते भी हैं, ठीक, तो उन्हीं की ही है। बाकी यहाँ पे इस लोकेशन पे मतलब कि यहाँ पैदल घूमते घूमते और भी बहुत सारी लोकेशन है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे बीच में छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह भी है 2-3, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो गाइस ये थोड़ा और आगे आ चुका हूँ मैं, सामने कुछ लोग वैसे ही घूम रहे होंगे, ठीक है, घूम भी रहे हैं। बाकी यहाँ से जो दूर वो एरिया है, अभी आपको वहाँ लेके चलता हूँ। अपना वहीं पे है जो भी रेस्टोरेंट वगैरह है, वो अपना उस साइड में ही है सामने, तो वहाँ पे और कुछ भी है। ठीक है, अपने इस ब्रेरो का वहाँ पे जो है एक आई लव ब्रेरो भी लिखा हुआ है, जैसे अपने वहाँ लिखा होता है आई लव कुछ क्षेत्रा, या आई लव हरियाणा, आई लव इंडिया, ऐसा कुछ। ठीक है, वैसे ही वहाँ भी लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट भी है। बाकी आज का मौसम, आज का व्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ उसी एरिया पे, उसी लोकेशन पे। ठीक है, मेरे पीछे आप लोग ये दूर देख रहे होंगे, छोटी सी दूर, छोटा सा ही है, मतलब ये रेस्टोरेंट छोटा सा, जैसे एक आप लगा लो छोटी जैसी दुकान वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम तो वो भी थोड़ा मतलब खाली पड़ा है, बंद पड़ा है एक तरह से, क्योंकि शाम को चलता है। आज मेरे ख्याल में बारिश के कारण भी लोग अभी तक नहीं आए हैं निकले।
इस दिन रात का नाइट का व्यू भी दिखाऊंगा यहाँ का, ठीक है, कैसा रहता है। लोग मतलब आते हैं घूमने फिरने, यहाँ थोड़ी लाइटिंग भी होती है, ठीक है, खम्भों पे, तो अच्छा लगता है ये रोड भी उस टाइम भी। बाकी फिलहाल जो है दिन का व्यू आपको थोड़ा दिखा दूँ, जो चीज़ दिन में मतलब जो चीज़ें जो दिन में दिखती हैं वो रात को नहीं दिखती इतनी क्लियरिटी, ठीक है। ये है यहाँ से सामने कॉन्टिनेंट, जिसमें से मतलब अपना सारा सामान मिल जाता है, कपड़े वगैरह डेली यूज़ का, सारा राशन पानी सब कुछ। और ये है वो छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप, ठीक है, अभी सब इन्होंने सामान अपनी कुर्सी वगैरह भी अंदर ही रखी हुई है, कुछ ही कस्टमर बैठे हुए हैं अंदर, छोटा सा एक आगे भी है। साइड में पार्क, रेस्टोरेंट के पार्क भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब आप देख सकते हो कितना उसमें व्यू आ रहा है इस टाइम। आसमान में बादलों का व्यू, हरियाली, यानी कि फालतू का गंद खिंडा हुआ है यहाँ पे, साफ सफाई भी है यहाँ पे। बाकी गाइस हम ना डेली यहाँ पे मतलब कि रात को घूमने आते थे, तो मैंने एक दिन सोचा कि यहाँ के भी कुछ लोग आप लोगों को वीडियो दिखाऊं, यहाँ का नज़ारा दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि हम रात को खाना खुना खा के 10-11 बज जाते थे, तो इस टाइम लेट जाते थे, तो नाश्ता माइंड में जाती थी ये बात की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि साथ में हम सारे यहाँ दोस्त भाई बहुत लोग घूमने फिरने के लिए आते थे, ठीक है, तो इतना जब मौज मस्ती के टाइम पे घूमने फिरने के टाइम पे ये चीज़ नहीं दिखती। तो आज घर पे फ्री था, वैसे फ्री तो बहुत दिनों के, घर पे फ्री हूँ, बट थोड़ा काम की तलाश में घूमते रहते हैं इधर उधर, आज घर पे ही थे, कहीं नहीं जाना हुआ बस के चक्कर में भी, तो इसने सोचा कि आज आपको यहीं पास की वीडियो दिखाते हैं। बाकी बहुत सारे टूरिस्ट एरिया यहाँ पे, वो भी दिखाऊंगा आपको इधर आप दिल्ली का। बाकी फिलहाल आप यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ के आसपास का व्यू, रेस्टोरेंट टाइप, ये रेस्टोरेंट टाइप है, अभी ये भी बंद है और एक आगे भी है, सेट में भी आगे भी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये छोटा सा पार्क बच्चों के खेलने के लिए। तो गाइस अब मैं थोड़ा और आगे चल के आया हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है बरेरो, ठीक, इसको मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। BARERO, ये सामने से आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ उस साइड, वहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, गाइस थोड़ा सा ये है छोटा सा तालाब लगा लो जो आप देख रहे हो, ये भी वॉकिंग के लिए छोटी सी जगह है,
ठीक है, मेन समुंदर है और ये बीच में बना रखा है तालाब टाइप, और ये सामने इधर रेस्टोरेंट, ठीक है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो लोग बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे यहाँ के लोग होंगे ज़्यादातर एंजॉय करने आए हैं, छुट्टी का आज संडे है ना, तो चलो ये रेस्टोरेंट। तो गाइस ये अपना वो रेस्टोरेंट, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अभी बैठे हुए हैं, बाहर इन्होंने रखे हुए हैं ये गद्दे के बेड टाइप कुर्सियाँ, ठीक है, बाकी और लोग अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, ऊपर भी हैं, मतलब ये तो जैसे छोटा सा एक लगा लो बस अंदर छोटा सा एरिया, एक दुकान टाइप का, ठीक है, बाकी मेन जो इनका सिटिंग प्लान है वो बाहर का एरिया है, कि बाहर इन्होंने रखे हुए हैं गद्दे वगैरह, चेयर्स, कुछ लोग चेयर भी बैठे हैं, कुछ इधर गद्दे पर भी बैठे हैं, तो बाकी और कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, देखो कि इस टाइम भी चल रहा है, इतना बड़ा एरिया भी नहीं है मतलब, ठीक है, ये सिर्फ वैसे वॉकिंग के लिए मेन एरिया है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए जैसे आते हैं वॉकिंग के लिए, तो यहाँ पे जैसे कई बार जैसे अब वीकेंड पे थोड़ा एंजॉय करने का टाइम होता है, ठीक है, तो यहीं पर आलमोस्ट ये लोग आ जाते हैं आस पास के, चलो बाहर घूम के आते हैं, बाहर थोड़ा खा पी के आए, इंजॉय करके आए। थोड़ा इससे आगे है अभी पार्क का एरिया, तो अभी वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। ओके, सारा ये पार्क का एरिया ही है, लोग यहाँ बैठे हैं जैसे फैमिली के साथ आ जाते हैं, बच्चों को लेके थोड़ा यहाँ खेलते हैं उनके साथ, ठीक है, जैसे वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, दो पीछे इसमें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी दूर अंदर की तरफ है वो, बाकी अब मैं जाऊँगा यहाँ से घूम के, यहाँ से ऐसे उस साइड से वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई सब मैं जा रहा हूँ अपना कुछ बिस्कुट खाए थे चाय के साथ, तो और दो रोटी थोड़ी देर बाद, तो मैं सोचा कि चलो आपको थोड़ी सैर हो जाएगी और आप लोगों को दिखाने के लिए भी वीडियो बन जाएगी, तो मैं वहाँ से घूम चुका हूँ, ठीक है, ये अपना वो एरिया वॉकिंग का एरिया है भी भी, इस साइड भी ये थोड़ा गंदा पानी है ना मच्छियों वगैरह के लिए, क्योंकि गंद वगैरह जाते हैं इसमें, तो मैं आपको और आगे चल के ना। बाकी गाइस मैंने अभी ना चेक किया था, ठीक है, वीडियो को चला के, तो मुझे ना उसमें हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी, मेरी सारी वीडियो में मेरे ख्याल में ऐसे ही है, ठीक है, अब आप लोगों को हवा की आवाज़ ज़्यादा आएगी लेकिन मेरी आवाज़ कम आएगी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है आज, बहुत ज़्यादा ही थी, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, घर की तरफ, तो जो एरिया आपका रह गया था अभी दिखा दो आपको जाते हुए, बने रहना। बाकी मैं आज मैं स्पेशली आप लोगों को सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए आया था, कि हम जहाँ पे घूमने आते हैं वो भी आप लोगों को दिखाना भूल ही गया था, ठीक है, तो मिलते हैं आपको थोड़ा और आगे चल के। तो भाई सब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, तो आज आपने देखा ही है वो, तो जहाँ घूमने के लिए आते हैं वहाँ के आसपास की लोकेशन, बाकी तो आपको डेली डेली ऐसे ही यहाँ की टूरिस्ट जो प्लेस हैं बहुत सारे हैं इंतकाल के अंदर, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता रहूँगा, बाकी कुछ भी जानकारी लेनी हो, ठीक है, इंतकाल से रिलेटेड वो मैं आपको, जब किसी ने कुछ भी जानना हो तो कमेंट जरूर करें, कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे कुछ भी जानना हो, बाकी इंस्टा आईडी ऑलमोस्ट मैंने उसमें डाल रखी है अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी बात कर सकते हो, कुछ भी जानो, कि मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, एंड जो भी मेरे भाई एक तकाल में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं कहीं भी बैठ के मीडिया में, वो तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें जिन्होंने नहीं किया, जो भी पहली बार वीडियो पे आए हैं, ठीक है, अपने जो पुर्तगाल में बैठ के जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको डेली मतलब कि पुर्तगाल के बारे में
अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप किसी और नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय।